जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने वालों को बड़ी सौगात, बजट में मोदी सरकार दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया था तो उन्होंने अटल पेंशन योजना के दी जाने वाली अधिकतम पेंशन सीमा को मौजूदा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी ऐलान किया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार 2015 में अटल पेंशन योजना को लेकर आई थी, जिसमें 1,000 से लेकर 5,000 तक 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा। पेंशन के 5 स्लैब हैं। दरअसल जब देश में सोशल सिक्योरिटी का अभाव हुआ था तो स्कीम में इन बदलावों के जरिए सरकार सोशल सिक्योरिटी का सुनिश्चित कर सकती थी। अटल पेंशन योजना के तहत 18 साल का कोई भी व्यक्ति प्रतिमा जमा कर सकता है 42 रुपये, और 60 वर्ष की उम्र में प्रतिमा उसको 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं 18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपये जमा करेंगे तो जमा करने के बाद मंथली आपको रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दरअसल PFRDA बहुत लंबे समय से सरकार से पेंशन लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है, और वहीं अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये लिमिट का प्रस्ताव दे चुका है। तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।